ओके सो तो अगर तुम लोगों को नहीं पता है ना, इस समय दोपहर के समय 2:30 बज रहे हैं। अगर नॉर्मल डेज पे अगर देखो ना, ये जो पार्क है भाई साहब, ये इतना खाली पार्क रहता है, मतलब यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। आज क्या है ना, आज सैटरडे है, इतने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं उस तरफ से ना, इतने सारे झुंड वाले आ गए, बेसिकली लड़के बच्चे आ रहे थे। मैंने सोचा धरना वरना तो यहाँ पर नहीं चल रहा है, कोई यहाँ पर प्रोटेस्ट तो नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था भाई साहब। सब लोग अपना अपना सब लोग सैटरडे मनाने यहाँ पर आए थे, और मतलब वही क्रिकेट वाले बच्चे थे। बहुत भीड़ है आज यहाँ पर। तुम लोगों ने ना अपने जिंदगी में मॉन्यूमेंट्स तो देखे ही होंगे ना, कि मतलब मॉन्यूमेंट में कैसे धूल मिट्टी ऊपर जम जाती है। अभी क्या है ना, मेरी जो बाइक है भाई साहब, ये भी अभी मॉन्यूमेंट से कम नहीं है। मैं तुम लोग दिखाता हूँ कैसे। ये देख रहे हो, ऐसा नहीं लग रहा है कि मॉन्यूमेंट की निशानी है, मतलब मॉन्यूमेंट के ऊपर जैसे मिट्टी विट्टी सब चढ़ जाती है। इधर देखो, ये देखो हेडलाइट पे देखो, और इस वाले वाइजर पे देखो, देख रहे हो ना, पूरी मिट्टी मिट्टी हर जगह। मैं इतना दूर मैं यहाँ पर आया ही हूँ, मतलब इससे थोड़ा सा उधर हो जाते हैं, वहाँ पर एक बाइक धोने वाली एक दुकान है, मतलब वो बाइक धोते हैं वहाँ पर। तो मैं अभी क्या सोच रहा था ना यार, मैं अपने बाइक को धुलवा लूँ, मतलब बहुत दिनों के धुलवाए हुए। मैंने इसको कब धुलवाया था, हाँ मैंने बनारस में धुलवाया था यार इसको। अरे भाई साहब इतना समय हो गया है इसको धुलवाए हुए। तो अभी क्या करते हैं ना, अभी मैं अभी निकलता हूँ यहाँ से, और यहाँ से निकल के हम लोग जाते हैं शॉप पे धुलवाने। तुम लोग मानो या ना मानो, मेरी बाइक ना अभी इतनी गंदी लग रही है, लेकिन जैसी धुल जाएगी इस साहब इतनी खूबसूरत लगेगी, एकदम नए की तरह। गंज के इधर से अगर थोड़ा सी अगर आगे अगर जाओगे तो वहाँ पर गंज हजरतगंज बेसिकली आ जाएगा। मैं थोड़ा सा अंदर की साइड में आया हूँ गली में, है ना अंकल, ये कौन सी जगह है? तो हम यहाँ पर इस समय आए हैं, मैं बाइक अपने धुलवाने के लिए लेके आया था, है ना। अंकल जी इतने अच्छे हैं, अंकल जी ने अभी कार को भी साइड में कर दिया, पहले हमारा पहले करवा रहे हैं, हमारा भी टाइम बच जाएगा। तो अभी क्या है, अभी यहाँ पर अभी मेरी बाइक अभी धुल रही है। आ गए थे यार, बहुत दिन हो गया था ना मुझे अपने बाइक को धुलवाए हुए। ओके सो अभी ना मेरी बाइक अभी यहाँ पर धुल रही थी, और मतलब मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज पता चली। अभी ये चीज ना तुम लोग अंकल जी के मुंह से सुनो। अंकल जी बताइए, हमारा 50 इयर्स ओल्ड गैराज है, 1972 फरवरी में शुरू हुआ था ये हमारे फादर से बजरंग मिस्त्री। 50 साल पुराना है भाई गैराज जो है ये, 50 साल। 50 साल में पता नहीं क्या क्या हो जाता है, तो आप ही संभाल रहे इतने। हाँ, हाँ, मेरा भाई। तो लिटरली यार मैंने जब सुना ना कि अंकल जी ने मुझे बताया 50 साल पुराना है, 50 साल बहुत लंबा समय होता है 50 साल। 50 साल से और यहाँ पे क्या क्या करते हैं अंकल? सारा काम होता है, वो उस तरफ हो रही है वहाँ पर ना, जीप वहाँ पर रखी हुई है ना, तो पुराने वाली जीप की वहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग हो रही है। चलिए अंकल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यहाँ पर ना पीछे सहारागंज है, सहारागंज के आगे एक गली एक पड़ती है ना, उसी गली में अंदर जाके साइड में है शाहजफ रोड, भेड़ी वाली कोठी, हजरतगंज, पार्किंग से दाहिने हाथ में, मतलब तनिक शोरूम के बगल से रास्ता है। मेरी जो बाइक है अभी धुल रही है, अभी भाई अभी धो रहा है मेरी बाइक, जैसी धुल जाती है फिर उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं। ओके सो जो हमारी जो बाइक है ना, वो इस समय धुल चुकी है, एकदम चमक गई है भाई साहब। ये अंकल जी कल आएगा, है ना, कल 12 बजे के बाद। चलिए अंकल जी धन्यवाद। ओके धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा, नई नई टेक्नोलॉजी देख के समझ में आता है, हमें भी बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आके। हो गया। ओके सो अभी जो है हमारी बाइक अभी धुल गई है ना, और हम निकलते हैं अभी उसी तरफ। भाई साहब सही में यार एकदम चमका दिया है यार। मैं अंकल को मैं बोल नहीं रहा था ना, लेकिन भाई साहब 50 साल में बहुत सारी दुकानें बंद हो के फिर दोबारा चालू हो जाती है, ये 50 साल से चला रहे हैं। मतलब क्या होता है ना यार, देखो 50 साल तक कोई दुकान चला पाना भाई आसान काम नहीं होता है। ओके सो यहाँ से निकलने के पहले मैंने तुम लोगों से क्या कहा था कि भाई साहब मेरी बाइक जब धुल जाती है ना एकदम चमकने लगती है, एकदम नई की तरह। अब लिटरली अब तुम लोग अपने आंखों सब देखो भाई साहब कैसी चमक रही है मेरी बाइक। अब तुम लोग आप खुद बताओ कि भाई साहब मेरी बाइक चमक रही है नहीं चमक रही है। अब मैं तो यार एकदम खुश हो जाता हूँ भाई साहब, ऐसा लगता है ना कि मुझे मेरी बाइक से दोबारा मुझे प्यार हो गया, एकदम नए की तरह लगती है यार। मुझे कभी भी रियलाइज ही नहीं हुआ भाई साहब इसको 4 साल इसको हो गए हैं यार, है ना, जब भी धुलवाओ तब भी एकदम नए की तरह एकदम मस्त लगती है भाई साहब देखने में यार, एकदम मुझे तो भाई साहब बहुत मजा आता है इसको नई देखने में। चलो अच्छे भाई अंकल जी ने ना अच्छे से एकदम चमका दिया। इस समय मैं अपने फोन से मैं शूट कर रहा हूँ, सॉरी यार मैं बाल हाथ ही मेरे खाली नहीं, मैं क्या करूँ, ये देख रहे हो
ऐसे में तो भाई साहब समोसा खाना पड़ रहा है। इससे में बाय द वे मैं यहाँ पर शर्मा जी गया, वो पीछे तुम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आज चाय तो आज लिए नहीं, आज समोसे आज खा के आज काम चला रहे हैं। इससे ना भाई बाल वाल एकदम ठीक करने का समय ही नहीं मिला। एक हाथ में हेलमेट, एक हाथ में मोबाइल फोन, एक हाथ से खा रहे हैं। अब क्या करें, कितने तीन हाथ तो है नहीं। इस समय ना अगर तुम लोगों को देख रहे हो भाई साहब, इस समय इतनी लाइटें यहाँ पर जल रही है। अब इतनी लाइटें नहीं है, लाइटें उतनी ही है। बस मैं इस समय बस मैं फोन से शूट कर रहा हूँ तो लाइटें बस ज्यादा देख रहे हैं। DSLR में ना वो लाइट कम हो जाती है। अब भाई फोन का तो अपना चमत्कार होता है यार, मैं रात में सो रहा हूँ, फोन से अब शूट कर रहा हूँ। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम समोसा खाते हैं और समोसा खाने के बाद निकलते हैं घर, क्योंकि अभी रात अभी हो चुकी है और रात में अभी ना कुछ दिखाने के लिए अभी है नहीं। मैं अभी क्या करता हूँ, मैं अभी समोसा खाता हूँ, समोसा खाने के बाद हम भी निकलते हैं अपने घर। चलो बाय बाय, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में। अगर चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अगर ये वाली अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वाले व्लॉग में, मतलब नेक्स्ट वाला व्लॉग क्या होता है, कल ही हम लोग मिलते हैं।